कितनी खूबसूरत शाम है, सनसेट हो चुका है और ये थोल का ये मंजर है। देखें सब लोग बीच में यहाँ पर हैं, कोई पार्टीज एंजॉय कर रहा है, कोई क्या कर रहा है और ये लाइटें हैं मेन रोड्स की और ये रोड है और यहाँ देख सकते हैं आप कितना प्यारा खूबसूरत सा सनसेट है, ज़बरदस्त। अभी हम अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर है इस वक्त, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सनसेट है। मुझे नजर आता है मेरे पास ग्लासेस होते हैं जी, उनके पास ही ग्लासेस है मेरे। और हम जा रहे हैं लोगों को ढूंढते हुए, लोगों ने यहाँ हट पे देखें पार्टी चल रही है, लोग यहाँ सी साइड पे भी पार्टीज कर रहे हैं, देख सकते हैं सर। और हम अपनी पार्टी को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर बारबेक्यू पार्टी चल रही है, क्योंकि हम नमाज पढ़ने चले गए थे। यहाँ देखें बारबेक्यू का सीन ऑन है, बारबेक्यू कर रहे हैं सारे के सारे लोग। वालेकुम अस्सलाम। नहीं वहाँ पर मैं देखने गया था, अच्छा शुरू हो गया और ये इस वक्त आग जलाने शुरू हो गए। इधर असल भाई जो साइड पे कोले पड़े वो पड़े हो, ये आग जहाँ आ रही है। इधर आ जाए जी जी जी, मैं और ये चावल शुरू हो गया, लोगों को भूख लग रही है। ग्लासेस थोड़े लिमिटेड हैं तो हाँ, जबरदस्त आग असद जला रहा है, आग असद इसी तरह आग जलाया कर। ये अदील साहब हैं जो कि क्लिप्स बना रहे हैं छोटी छोटी, आज बंदे की शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। मैं रिजवान भाई की बात से आग नहीं जलनी चाहिए, रुके रुके बुझाता हूँ, आग नहीं जलनी, किसी को जलाना है। ये तैयब जना जरा तैयब क्या एक्सपर्टीज है, किसने बनाया मसाला, किसने लगाया ये? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिल के बनाया है मसाला। जैसे ही मुझे पता चला कि बारबेक्यू का प्लान है तो मैं पूरा उतरवाई है, उतरवाने के बाद मसाला मसूला अरेंज किया है और फिर सबको इकट्ठा किया क्योंकि हमारे माशाल्लाह ग्रुप रोशनी मेन कुक कौन है इसके? जो यहाँ पे है वो हमारे शाही साहब हैं, शाही साहब हैं। अच्छा मेन कुक शाही साहब हैं और उनका सबॉर्डिनेट कौन है? आप हैं? मैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। नहीं वो कैसे नहीं भाई, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से क्या, मैं मेन हूं? नहीं ये बाकी दीगर हजरात है। नहीं नहीं सबॉर्डिनेट एक ही है ना, मतलब दो बंदे तो दूसरे मतलब मदद सारे सवाब दिए देना शाहिद भाई, शाहिद साहब के बदले। इंसान अपनी जिंदगी में इतना काम कैसे कर सकता है? नहीं एक्टिवनेस आजकल के यंग बंदों में नहीं है। और ये पुलाव है ना उसके मेन को की है, किस तरह आपने कुक किया? बहुत ज्यादा एंजॉय हो रहा है। कुछ तरकीब कुछ बताना है, तरकीब आपने किस तरह, आपने कुक किया? बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे और मतलब क्या आपने किस तरह बनाए जरा आप बताएंगे? प्यार है सबका, सब अच्छा
मतलब मसाले नहीं डाले आपने, प्यार डाला इसमें मसाले नमक मर्च और जो होता है क्या, आपको मौका दे मसाला नहीं है इसमें। और ये दूसरी तरफ जो है टिक्के लगा रहे हैं, ये देखे ये टिक्के लगा कर यहाँ पर ऑर्गेनाइज, और ये टिक्के लगाने वाले जो काम है जो ना ऑर्गेनाइज, ये असद कर रहे हैं। हाँ असद जी, कैसा लग रहा है, कैसा काम करते हुए? अच्छा जी, जीरो से स्टार्ट किया है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, मसाला आपने बनाया है यहाँ? तो हमें ये कहा गया कि शाहिद भाई लगाए मेन के यार, ये तो जी 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 बनाया था। अच्छा ये सर मैं इस ड्रामे का खलीलू रहमान कमर हूँ। अच्छा अच्छा, सब कुछ होता है सर, ये दो थे सबको किसने बनाया? मैंने बनाया। अच्छा दो किस्म के बन रहे हैं, इसका क्या, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दोनों बारबेक्यू है ये, प्याज नहीं बारबेक्यू, ये चिकन बोटी है, क्या है, चिकन टिक्का है, तंदूरी है, ये दोनों है, तंदूरी भी है। अच्छा तंदूरी भी दोनों है। आप मेरे यार मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ जरा, रोशनी यार इधर अच्छी वाली, भाई रोशनी डालो भाई, यार यहाँ भड्डा हो गया इस वक्त, हम चलते हैं दूसरे 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 डोंगे। भाई ये क्या है, किस किस्म का डोंगा था जी? कुछ बोलेंगे वैसे ही आप, जरा थोड़ा हंसी रहे, कुछ बताए ना ये क्या क्या है, ये क्या है? असद भाई ने लगाया था मसाला ये। अच्छा को भी लगाया। तो क्या कौन से मसाले इसमें? ये प्याज, प्याज के पानी में डिप पे फुल। अच्छा माशाल्लाह, प्याज का पानी निकाला है इसमें। अच्छा इसमें यार इसको बोलते क्या है भाई? ये सर खास बकर मियां वाले की प्याज का पानी और लहसुन का पानी दोनों। अच्छा ये टिक्का जो है स्पेशल बकर का है ये, भाई देख ले मियां वाली स्टाइल में चिकन टिक्का। यार भाई असल में असद है जो हमारे जो के ना एक स्पेशल किस्म का टिक्का है जो बकर के इलाके का है, मियां वाली टिक्का है, तो उसकी तरकीब वो जो ना बता नहीं रहे, बोले बहुत ही पर्सनल है, तो मैं बाद में बताऊंगा ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जो ना हम आपको बाद में किसी जगह दिखाएंगे कि जो टिक्का टेस्ट करने के बाद बताएंगे कि क्या है ठीक है ना। अगर व्यूज़ उसका दे देंगे, अगर अच्छा है तो फिर हम आपको ज़रूर तरकीब बताएंगे ठीक है। टिक्के की एक सीख जो कि आ चुकी है, रोटी नहीं है आप तो ऐसे ही टेस्ट कर लो। जुलाई यार मुझे सीख दे दो कि मैं ऐसे ही खाऊं, और सीख कह रहा प्लेट दे दो, गरम है बहुत ज्यादा गरम है। अच्छा प्लेट दे दो, मेरी वाली प्लेट दे दो, अगर नहीं दे सकते तो बता दो, ले लो पकड़ लो, अंदर डालो करो, बहुत अच्छा टेस्ट है, जबरदस्त मजा आ गया, बहुत ही आला यार, से लाभ हो गया अपना शायद भाई चावल किसे चाहिए यार, यार सीख रहा है ना, पसंद करेगा तू बता, सीख रहा है ना, कुछ और मांग ले मुझे अंडे वाला बर्गर चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह से आज 5/5/23 है, माशाल्लाह बहुत अच्छा आज हमने नहाए हैं, बहुत अच्छा हमने बात की, सब प्यारे भाई हमारे साथ, अजीज साहब, मोहित, शाहिद साहब, शाहजेद साहब, तला साहब, और अपना मुबशिर साहब, जमशेद साहब, हसन साहब, और रिजवान साहब जी, और माशाल्लाह उनके दो बच्चे भी हमारे साथ हैं। रिजवान साहब आपको कैसा लगा आज की एक्टिविटी? आपको नहीं बहुत अच्छा, सबसे पहले कि जो पानी जो था ना समुद्र में, पानी बड़ा जबरदस्त था ठीक है ना, है समुद्र के पानी में काफी अरसे बाद डुबकी लगाई जी जी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी ताजी ताजी सीख उड़ी है, उतरी है, बन गई जबरदस्त, कच्ची लग रही है।
मछली पकड़ने के मूड से आते हैं कमर में दर्द होने लगा शायद भाई पिक्चर भी बनाओ इस बात से वीडियो बन रही है चमकते हुए भाई मैं अब थक गया हूँ मैं माजरा चाहता हूँ मेरे दो बच्चे हैं क्या पाकिस्तान में मुझे जाने दो पाकिस्तान में अपने पेट को कौन अदनादी कैसा रहा आपको कैसी रही पार्टी क्या आप बताएंगे शुरू से बताएंगे कैसा क्या मजा आया पानी में गए थे पानी में फिर हम लोग पढ़ी थी और फिर हम लोग ने बर्बी किया आपने किया नहीं लेकिन आपने खाया लेकिन हम इन्वॉल्व थे ना पार्टी में क्या सर मुझे करना था आपको करना था चलो हम नेक्स्ट टाइम हम अपनी पर्सनल जो है ना अपनी फैमिली की जो पार्टी करेंगे ना ठीक है और इसको हम बताएंगे फ्रॉम द बिगिनिंग ठीक है ना वो फिर आप करिएगा ठीक है सही है ना ठीक है चले जी ओके अब ये जा रहे हैं सामान समेटने के लिए चल और आखिरी ख़त्म हो चुका है बर्बी की आखिरी बोटी आखिरी बोटियां बहुत मजे मैं कह रहा हूँ यहाँ लव हो गए माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप बोटी शरीफ हमारे सामने लेटी पड़ी है बोटी भी बड़ी जबरदस्त वेल कुक्ड खानी बोटी जी अदीर भाई कैसे हैं खुश हो गए आप बहुत टीम ने बहुत मेहनत की माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया टीम का नाम बताए ना मेन प्लेयर्स बनाए मैन ऑफ द मैच कौन है शाहिद भाई मैन ऑफ अच्छा मैन ऑफ द मैच कौन है मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द इवेंट मैन ऑफ द इवेंट कौन है शाहिद भाई डायरेक्टेड बाय शाहिद भाई रिटन बाय शाहिद भाई ये वो पब्लिक है जो स्टेडियम के बाहर जो है ना जो भोगती रहती है अच्छा बंदा खुद ही बता रहा है नहीं कोई एक होता है अभी हम डिसाइड करके बता अब हम डिसाइड कर लेते हैं डिसाइड करने के बाद जो है ना जो जो ना क्या बता सर सही बात बताऊंगा जी आपका अपना प्रेसिडेंट ये जितने भी माशाल्लाह से गैदरिंग है इन सबका क्रेडिट शाहिद भाई को जाता है माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की और यकीन करें इन्होंने मुझे कहा था मैं पूरा ही लूंगा मैं पहले बता इन्होंने मुझे कहा था कि ये सामान वगैरह जितना से मेजर कर लेगा इन्होंने मुझे कहा था कि ये सामान वगैरह लेकर आना लेकिन ये आप लाइट थोड़ी नीचे कर दें सही नहीं लग रहा किसी वजह से ना लेकिन किसी वजह से मैं सामान नहीं ला सका था तो ये सारा क्रेडिट शाहिद भाई रिजवान और असद को जाता है माशाल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है और यहाँ पे मोहित भी खड़ा ये मोहित अच्छा असद असद ने एक स्पेशल किस्म की बोटी पे मसाला लगाया था जो कि अभी असद बताओगे क्या क्या लगाया था ये मियां वाली जो ना मियां वाली टिक्का बोटी थी जितनी मेहनत इसने की है ना इतने प्याज पकड़ के उसका पानी निकाल पता नहीं क्या क्या कर रहे अच्छा चलो यार बताओ यार कुछ यार पता ही नहीं था प्याज में पानी भी होता है और भाई तुम वो निकाल ये शर्मा रहे हैं ठीक है क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई है जलन हो रही है सॉरी कल पानी डाला था तो आज रात जलन इनकी शादी नहीं हुई है तो शर्मा रहे हैं ठीक है ना अगर किसी बंदे को भी है ना किसी बंदी को ये बंदा पसंद आ रहा है ना तो मैं नंबर आपको देता हूँ ठीक है ना फौरन से नंबर दे 056-231-5300 क्या क्या फिर से बताएं 056-231-5300 अपना बता रहा है ओ भाई नहीं नहीं इस बंदे का भाई तुम अपना बताओ ना ये मुझे मैसेज करिएगा मैं इसका फिर आगे फॉरवर्ड करूंगा बस ठीक है ये तो अपने उसमें ले जाएगा भाई ये तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले जाएगा कैसा लगा अच्छा मेरा मुझे ना मुझे सर आप बताए आपको कैसा लगा आप आज आए हैं माशाल्लाह बच्चों के साथ और आपने बच्चों के साथ आज यहाँ पे
नहीं मुझे बहुत ही अच्छा इवेंट लगा, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि जो इवेंट था ना काफ़ी पिछले साल पिछले हफ्ते भी हम चाह रहे थे कि ऑर्गेनाइज हो जाए, लेकिन ऑर्गेनाइज कुछ रिजॉर्ट की बिना पे हमारे कुछ साथी ना वो अवेलेबल नहीं थे, ठीक है ना, तो हमने कहा ऐसा इवेंट हो जिसमें हम प्रीमियम कर सकें, बिल्कुल इसी तरह जब इजी और टाइम हो और इन्जॉयफुल कर सकें, तो हमारा अकॉर्डिंग टू प्लान सारे मतलब हमें यहाँ पर सी वाटर इन्जॉय करना था जो कि हमने इन्जॉय किया, ठीक है, बच्चों के साथ, और इसमें कुछ लोगों ने इन्जॉय नहीं किया, वो बैठे रहे, वो नहीं चाहते थे कि पानी में उतरना क्योंकि उनके पास दूसरे कपड़े अवेलेबल नहीं थे, चेंज हाँ कुछ वो इस तरह कर रहे थे, कुछ प्लानिंग करके नहीं थे आए कि वो नहाएं, जो मेन जो हमारा मेन आइटम मेन इवेंट था वो बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है ना, उसमें आपको जायका कैसा लगा, दो तरह के मसाले लगे थे, ठीक है ना, अगर मैं ऑनेस्टली अपना व्यूज दूं तो जो एक छोटा वाला था ना जो जो पहले लगा था जिसमें मियां वाली टाइप का जो उन्होंने मसाला का वो भी अच्छा था, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन उससे ज्यादा दूसरा जो तिक्का था ना वो बहुत ही अच्छा था उसके कंपेयर्ड में, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलता कि वो दूसरा वाला जो मियां वाली जो टिक्का स्टाइल था वो खराब थी, वो भी अच्छा था, सही, लेकिन जो दूसरा था वो काफी अच्छा था, ठीक हो गया, ठीक है ना, तो ओवरऑल जो ना हर चीज अच्छी थी, जिसमें से जो एक चावल जो घर से बना के लेके गए थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अगर हम वहाँ बुखारी के लिए लेते तो उसके चावल ना बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं, वो ज्यादा इतना खाया नहीं जाते, तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन था कि हमने घर से बना के ले गए, और चले सर आपकी बेटी से पूछा, जी बेटा आप बताएं हमें आपको कैसा लगा, कैसा कौन सा अच्छा लगा, चावल अच्छे लगे, बारबेक्यू अच्छा लगा कि आपने वाटर इंजॉय किया आपने, बारबेक्यू इंजॉय किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो और वाटर और अब्दुल हादी से पूछते हैं, अब्दुल हादी आप बताएं आपको कैसा लगा पूरे इवेंट में, पूरा इवेंट आपको क्या अच्छा लगा, चावल पानी में नहाना अच्छा लगा माशाल्लाह, और बारबेक्यू आपको कैसा लगा, अच्छा था, खूब खूब फुल हो के खाया, मजा आया, स्पाइसी तो नहीं था, चले माशाल्लाह, चले ठीक है सर, चले जी फिर हम अब बैकअप करते हैं, और जी जी, और अभी हम ये बैकअप कर रहे हैं, देखें ये मर्शाद भाई हैं, सारा उन्होंने बारबेक्यू का अरेंजमेंट भी इन्होंने मतलब उसको कुक किया सारा, और अभी सफाई भी बेचारे खुद ही कर रहे हैं अपनी चीज़ें, खुद ही ढूंढ रहे हैं, और ये देखें, और ये वो देखें जिसको ये देखो पता नहीं है, 19 लीटर जानवर नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक नहीं सर, देखें मजाक कर रहे हैं, भाई है हमारा, छोटा भाई है, मजाक कर रहे हैं हम, कौन सा इसको सीरियस ले रहे हैं, ठीक है ना, मैंने देख लिया था, शब्बीर देखना, शब्बीर देखेगा, चले सर, ओके सर, थैंक यू, इसको क्लोज कर दिए, वीडियो पे आ गई, लंबा स्पीक करना, अब्दुल्हादी उठ जाओ, अब्दुल्हादी पहुंच गया है, अब्दुल्हादी पिकनिक के बाद सो रहा है, अब्दुल्हादी उठ जाओ बेटा, उठ जाओ अब्दुल्हादी, आपकी वीडियो बन रही है, अब्दुल्हादी बैक टू होम, चलो उठो बेटा, उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल नहीं हुए है, लेकिन स्कूल कल भी नहीं है, फ्राइडे छुट्टी है, चलो अपनी चीजें कलेक्ट कर लो, कल पेरेंट्स मीटिंग है, अच्छा चलो ठीक है, अभी अपनी चीजें निकाल लो, ब्लॉग साइन करते हैं, ठीक है ना जनाब, ठीक है, पैकअप करो, चलो ओके, बाय बाय, बाय बाय, टाटा टाटा।